बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पूरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की, सब शमशे को कियो निर्वार, कोई शमशे ना रह्यो वार के पार, रोशन करूं लेऊं हुकुम बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं जगाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं जगाए, द्वार तो वाके खुले है अब, पीछे तो दुनिया मिलसे सब, जब द्वार तो वाके मुदयो, रही न गई भोर जो भयो, रही न गई भोर जो भयो, द्वार तो वाके खुले है अब। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 139वां दिवस तथा यह प्रकरणवाणी विषय प्रसंग का 31वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरणवाणी विषय अंतर्गत अब तक हमने ये चौपाई नंबर 98 तक के भाव के ऊपर चिंतन किया, चर्चा किया। अब आज चौपाई नंबर 99वीं यानी कि 99 चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ कहा द्वार तो वाके खुले है अब, पीछे तो दुनिया मिलसी सब, जब द्वार तोबा के मुदयो, रैन गई भोर जो भयो। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति प्राण्यह जी स्वरूप के द्वारा ये जागनी लीला के प्रसंग के ऊपर चर्चा हो रही है। तो जैसे अक्षरातीत धामधनी स्वरूप इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर के ये तारतम की प्रकाश वाणी के प्रकाश के माध्यम से ये सारा प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में स्वयं इंद्रावती आत्मा एक आत्मिक भाव से सद्गुरु स्वरूप धामधनी स्वरूप के कृपा को गुण को स्मरण करते हुए कहते हैं कि जो परमधाम का दरवाजा सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक किसी ने भी कभी भी नहीं खोल सका था। धर्मशास्त्र के अंदर वेद कतीब के अंदर जो गूढ़ रहस्य है उसका भी खुलासा नहीं हो सका था। धामधनी स्वरूप ने मेरे हृदय के अंदर विराजमान होकर के मेरे द्वारा ये सारे रहस्यों को, इन सभी दरवाजों को खुलासा कर दिया अथवा खोल दिया। और तारतम के प्रकाश के द्वारा अब मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह संशय नहीं है। अब ये तारतम के प्रकाश को अक्षरातीत धनी के हुक्म के द्वारा ही ये सृष्टि के बीच में रोशनाई करना है और इसी प्रकाश के द्वारा, इसी रोशन के द्वारा ही ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए। ब्रह्म सृष्टि जो परमधाम से आई हुई आत्मा है और दुनिया ये संसार के जो जीव है, संपूर्ण दुनिया है, उनको जगाना है। तो ये प्राण्यह जी की एक प्रतिज्ञा सूत्र है। तो ये भाव ये 98वीं चौपाई में हम चर्चा कर रहे थे।
तो 99वीं चौपाई जैसे अभी हमने पढ़ा, अब इसके भाव के ऊपर चिंतन करें तो महामति प्राण्यह जी की समय यानी स्वयं अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप की लीला उस समय में और प्राण्यह जी स्वरूप के अंतर्धान होने के पश्चात ये जागरणी की ब्रह्मांड में जागरणी की लीला तो चलती रहेगी क्यामत के दिन तक। तो उस समय में ये बीच में क्या अंतर रहेगा, तब इस प्रसंग के ऊपर कहते हैं द्वार तोबा के खुले हैं। अब द्वार यानी कि दरवाजा, तोबा के यानी कि माफी का, खुले हैं अब, अभी खुला हुआ है। तो माफी का दरवाजा अभी खुला हुआ है। तो प्राणीनाथ जी के आगमन से पहले एक जीव के यात्रा में भी देखें तो जीव के ऊपर माफी करने वाले, कृपा करने वाले कोई भी नहीं थे। सबके अपने अपने कर्म के हिसाब से वो कर्म का फल भोगना ही पड़ता था। और अभी अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप महामति प्राण्यह जी का समय, प्राण्यह जी की लीला जिनके माध्यम से ये तारतम्य के प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, तो इस समय के लिए कहते हैं द्वार तोबा के खुले हैं। अब अभी इस समय में माफी का दरवाजा खुल गया है। जिसने भी जाने अनजाने होश में बेहोश में जैसे तैसे भी कर्म किया हो, अच्छा हो बुरा हो, महामति प्राण्यह जी ने जो कोई भी अपने चरण शरण में आए सबको माफी का दरवाजा खोल दिया, सबको माफ कर दिया। इसलिए प्राण्यह जी के समय में जो भी आत्मा उपस्थित हुए उनके लिए तो अखंड सुख प्राप्त करने के लिए प्राण्यह जी के चरण शरण ही काफी हुआ। इसलिए वाणी में ही प्राण्यह जी क्या कहते हैं, पिछला साथा आवेगा क्यों कर, प्रकाश बचन हृदय धर, चरणे है सोते तो आवे सही, पर पिछले साथ कारणे बाणी कही। प्रसंग ये बाणी को जाहिर करने के प्रसंग में है। तो ये जो हमने चौपाई उच्चारण किया इसका भाव क्या है कि प्राण्यह जी ने विचार किया पिछला साथ आवेगा क्यों कर, मेरे समय काल से पीछे बाद में क्यामत के दिन तक जो सुंदर साथ आएंगे खेल देखने के लिए, तो वे सुंदर साथ परमधाम के इस मार्ग में अथवा परमधाम तक किस तरह से आएंगे, पिछला साथ आवेगा क्यों करा। तो ये विचार किया तो उन सुंदर साथ के लिए एक मार्ग निर्देशन करने के लिए, परमधाम तक का लक्ष्य प्रदान करने के लिए ये वाणी को जाहिर किया। प्रकाश बचन हृदय धारा, पहला चरण में प्रश्न है कि पिछले साथ किस तरह से आएंगे, और इसी चौपाय का दूसरा चरण में कहा प्रकाश बचन हृदय धारा, वाणी के प्रकाश को, तारतम के प्रकाश को हृदय में धारण करके, हृदय को प्रकाशित करके पीछे आने वाले सुंदर साथ आएंगे। और पीछे आने वालों के लिए तो ये वाणी का प्रकाश प्रकाशित किया, तो प्राण्यह जी के ही तत्कालीन समय के सुंदर साथ के लिए क्या कहा, चरणे है सोते तो आवे सही। स्पष्ट रूप में प्राण्यह जी ने बता दिया कि चरणे है, मेरे चरण शरण में जितने भी आत्माएं हैं सो ते तो आवे सही, वो तो निश्चय रूप में ही अखंड सुख के मार्ग में आएंगे अथवा अखंड स्थान तक पहुंचेंगे। पर पिछले साथ कारणे बाणी कही, परंतु पीछे आने वाले सुंदर साथ के लिए, आत्माओं के लिए मैंने ये बाणी को जाहिर किया हूं। तो इस तरह से स्पष्ट रूप में प्राण्यह जी ने कहा मेरे चरण शरण में, मेरे समय में जो कोई भी सुंदर साथ है वो तो परमधाम पहुंचेंगे ही, अगर ब्रह्म सृष्टि हो और ईश्वरी सृष्टि हो
तो प्राणनाथ जी की चरण कृपा से वो अक्षरधाम में पहुंचेंगे। जीव सृष्टि हो, प्राणनाथ जी की ही चरण कृपा से वो अखंड विश्व में, अखंड मुक्ति के स्थान में पहुंचेंगे। तो ये वाणी जाहिर किसके लिए किया? पिछले साथ कारणे वाणी कही, पीछे आने वाले साथ के लिए ये वाणी जाहिर किया। तो ये चौपाई को मैंने यहां पर इसीलिए जोड़ दिया हूं कि मुख्य रूप में ये प्रसंग में ये कहने के लिए चरणे है सो ते तो आवे सही, प्राणनाथ जी के चरण शरण में जो है वो तो सीधा आएंगे अथवा प्राणनाथ जी के साथ में ही चलेंगे। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि प्राणनाथ जी ने अपने समय में सबके लिए ऐसी कृपा प्रसाद किया है कि माफी के दरवाजा सबको खोल दिया है, जो कि सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक यानी कि प्राणनाथ जी के समय तक जीव का कोई अच्छा कर्म हो तो अच्छा कर्म के भोग करने के लिए स्वर्ग जाना ही पड़ता था, और कोई बुरा कर्म हो तो उसका भोग करने के लिए नरक जाना ही पड़ता था, और वो सुख दुख को भोगने के पश्चात फिर मृत्यु लोक में आकर के 84 के चक्कर में घूम करके उसके पश्चात ही मनुष्य शरीर में आने को मिलता था। ये सबका अपना अपना कर्म है। और प्राणनाथ जी के समय में सबके लिए माफ कर दिया, मतलब अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, जैसे भी कर्म हो, बस जो भी प्राणनाथ जी के चरण शरण में आए हैं भला बुरा वो सबको माफ कर दिया, और एक अखंड मोक्ष का मार्ग प्रदान किया। इसीलिए कहा द्वार तोबा के खुले हैं, अब माफी की दरवाजा अभी खुला है। आगे कहते हैं पीछे तो दुनिया मिलसी सब, पीछे यानी कि बाद में क्यामत के दिन तक, ये पीछे का अर्थ है वो क्यामत के दिन तक चला जाता है, दुनिया वाले सबको ही मिलेंगे, मतलब ये तारतम के प्रकाश के द्वारा सब कोई ये तारतम्य सिद्धांत में अक्षरातीत की भक्ति में ही एकत्रित होंगे, मिलेंगे जरूर। शुरू से ही प्राणनाथ जी कह रहे हैं अब लीला हम जाहिर करे जो सुख संयार हृदय धरे, पीछे सुख होसी सवन पसरसी चौदे भवन करके, बाद में चौदलोक ब्रह्मांड में ही ये तारतम का प्रकाश प्रकाशित होने वाला है, और यही तारतम के द्वारा सबको सुख प्राप्त होने वाला है, पीछे सुख होसी सवन। तो यही भाव से यहां कह रहे हैं पीछे तो दुनिया मिलेसी सब, सब कोई दुनिया मिलेंगे। यहीं पर कहा है कि सब जाते मिली एक ठौर, सब जाति एक ठौर एक स्थान में ये सुंदर साथ जमात के अंदर ही एकत्रित होंगे। तो इस अर्थ में सारी दुनिया वाले मिलेंगे, परंतु उस समय में माफी का दरवाजा खुला नहीं रहेगा, माफी का दरवाजा बंद किया जाएगा। तीसरे चरण में कहा जब द्वार तोबा के मुदियो, जब पीछे सारे दुनिया वाले आएंगे तब तक तो द्वार तोबा के यानी कि माफी के दरवाजा मुदियो बंद किया जाएगा, बंद होगा। इसका अर्थ अभी वर्तमान प्राणनाथ जी के समय में द्वार तोबा के खुले हैं, अब कहा ना अभी दरवाजा खुला है। और तीसरे चरण में उसी के लिए कहा जब द्वार तोबा के मुदियो, जब माफी के दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन दुनिया वाले सब मिलेंगे जरूर। तो माफी के दरवाजा बंद होने पर भी फिर ये जागरणी लीला तो चलती रहेगी। उसके लिए चौथे चरण में कहा रैन गई भोर जो भयो, रैन यानी कि रात्रि, गई जा करके बीत करके मीट करके, भोर जो भयो
भोर हुआ अथवा भोर होगी। अब तत्कालीन सुंदर साहब के हृदय में अज्ञानमय, ये भ्रममय एक अंधेरा रैन यानी कि रात्रि मिट करके प्राणनाथ जी की कृपा तारतम के प्रकाश के द्वारा हृदय में प्रकाशित होना, यही रैन बीत करके भोर होना है। इसीलिए यहां रैन गई भोर जो भयो, रात्रि बीत करके भोर यानी कि उजाला हुआ। तो ये धरती में तारतम का प्रकाश प्रकाशित होना अथवा तारतम रूपी सूर्य का उदय होना ही ब्रह्मांड का यानी कि सृष्टि की रैनी रात्रि बीत करके भोर होना है, उजाला होना है समष्टि रूप में। और बेष्टि रूप में देखे तो जिस जिस समय में जो जो आत्मा तारतम के शरण में आएंगे, तारतम के शरण में आने से पहले की स्थिति हृदय के अंदर, वो अज्ञान अंधकार भ्रम है, वही रैनी है। और तारतम के प्रकाश के द्वारा वो हृदय प्रकाशित होना, जिसके द्वारा स्वयं अपने आप को जानना, धनी को जानना, धाम को जानना, ये रात्रि बीत करके भोर होना यानी कि उजाला होना है। और ये प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर ये होना ही है। और इस तरह से ये रात्रि बीत करके भोर होने की लीला क्यामत के दिन तक, प्रलय काल तक चलती रहेगी। जैसे कहा समग्र ब्रह्मांड में तो तारतम का उदय होना ही रात्रि बीत करके उजाला होना है, परंतु ये प्रत्येक जीव का हृदय में इसका अनुभव होना होगा। तो ये लीला आगे चलती रहेगी, रात्रि बीत करके उजाला होता रहेगा, परंतु माफी का दरवाजा खुला नहीं रहेगा। कहने का सार भाव क्या है? तारतम के प्रकाश के द्वारा ये जागरणी लीला तो चलती रहेगी क्यामत के दिन तक, सबका हृदय ये तारतम के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होगी, परंतु प्राणनाथ जी के समय में जो भी प्राणनाथ जी के चरण शरण में आए, उन सब के लिए भला बुरा सारे गुण अवगुण का कर्म का माफ कर दिया, ये प्राणनाथ जी की कृपा है। परंतु प्राणनाथ जी के समय के बाद में आने वाले जो सुंदर साथ तारतम के प्रकाश के द्वारा हृदय को प्रकाशित करेंगे, आत्मा जागृत करेंगे, परमधाम का चिंतन करेंगे और यही तारतम के प्रकाश के द्वारा परमधाम तक अंततोगत्वा पहुंचेंगे, परंतु जब तक यहां रहना हो ना, माफी की दरवाजा खुला नहीं रहेगा। अपने अपने अंकुर माफ किया हुआ अपने अपने कर्म का फल स्वयं को भोगना ही पड़ेगा। तो ये भाव को यहां बताया है। इसका मतलब प्राणनाथ जी के समय कैसे समय है, सबके लिए माफी का दरवाजा खोल दिया। तो इस तरह से कहा। और 100 नंबर चौपाई में कहते हैं, या भली या बुरी जिन्हों जैसी फैल जो करी, तब आगू आए सबों की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी। महामति प्राणनाथ जी के समय में जो भी आत्मा एकत्रित हुए हैं, या भली या तो अच्छा किया हो, या बुरी कोई बुरा कर्म किया हो, जिन्हों जैसी फैल जो करी, जिन्होंने जैसे फैल यानी कि फैल शब्द का सीधा अर्थ तो आचरण होता है, मतलब जिस जिसने जैसा जैसा कर्म किया है, जिस जिस का जैसा जैसा आचरण है, सब सामने में दिखाई देगा, प्रष्ट होगा। जैसे रसूल मोहम्मद साहेब ने अपने शब्द में दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं सदी के लिए क्यामत का दिन कहा, और
ये क्यामत के दिन इमाम मेदी के रूप में खुदा स्वयं प्रकट होंगे, अथवा वो काजी बन करके आएंगे, कजा करेंगे, मतलब सबको न्याय दिलाएंगे। और उस समय में रसूल मोहम्मद साहेब ने कहा, मैं भी साथ में रहूंगा शिफायत यानी कि सिफारिश करने के लिए। मैं जिसके ऊपर शिफायत करूंगा यानी कि सिफारिश करूंगा, उसके हिसाब से वो काजी यानी कि वो न्यायाधीश महामति प्राण्यह जी सृष्टि को न्याय प्रदान करने के लिए पधारे हैं, इसलिए वो काजी है, कजा करने वाला यानी कि न्याय करने वाले न्यायाधीश है। तो उनकी न्याय मेरे सिफायत के हिसाब से यानी कि मेरे सिफारिश के हिसाब से होगी। हजार साल पहले ही रसूल मोहम्मद साहब ने यह कहा था। इसका अर्थ हजार साल तक के समय अवधि के अंदर जीव ने जैसे जैसे कर्म किया है वो सारा कर्म का लेखा जोखा होगा, हिसाब किताब रखा जाएगा। उसी के हिसाब से काजी यानी कि वो इमाम स्वरूप परमात्मा के सामने में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके हिसाब से वो खुदा स्वरूप, वो काजी स्वरूप न्याय करेंगे, इस तरह से कहा था। और उसी प्रसंग में थोड़ा सा अगर बता दो तो रसूल मोहम्मद साहेब ने यह भी संकेत किया, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज का हजार गुना फल मिलेगा। मैंने जो बात बताया हूं मेरे कहे वचन के हिसाब से जो चलेगा उसको पालन करेगा, एक नमाज का हजार गुना फल खुदा प्रदान करेंगे। तो ये कितनी बड़ी अवसर है। और फिर कहा, जो उस बात को ठुकराएगा फिर उसी हिसाब से दोजख के अग्नि में जलनी पड़ेगी। तो ये तो सब सिद्धांत है। तो महामति प्राण्यह जी के समय में जो भी आत्मा उपस्थित हुए उनके लिए तो कहा माफी के दरवाजा खोल दिया है, और उसके बाद क्यामत के दिन तक के लिए सिद्धांत रखने के लिए कहा तारतम रूपी सूर्य के द्वारा सबके हृदय प्रकाशित होगी, जागनी लीला चलती रहेगी, रात्रि बीत करके ये उजाला हुआ है, सबके हृदय में ये उजाला, ये प्रकाश अनुभव होता जाएगा, परंतु माफी का दरवाजा बंद होगा। और प्राण्य जी के समय के लिए कहा या भली या बुरी जिन्हों जैसे फैल जो करी, जिस जिसने भी जैसा जैसा फैल किया है, आचरण किया है, ताबा आगू आई सबों की करनी, देखिए सबकी करनी, किसी ने अच्छा किया हो किसी ने बुरा किया हो सबकी करनी, सबका कर्म, सबका फैल हाल सामने में दिखाई देगा, हिसाब किताब होगा। तो इसी के लिए मैं बोल रहा था रसूल मोहम्मद साहेब ने हजार साल पहले ही कहा था कि खुदा जब काजी बनकर के कजा करने के लिए आएंगे तो सामने में मैं भी रहूंगा और सिफारिश मेरा चलेगा। तो इसीलिए तब आगो आई सबों की करनी, जीना जैसी करी आप अपने, जीना मतलब जिन्होंने अथवा जैसे जैसे ने जैसी करी जैसा किया है आप अपनी, आप स्वयं अपनी, अपने अंकुर के द्वारा अथवा अपने आचरण के द्वारा जैसे जैसे कर्म किया है वो सारा हिसाब किताब सामने में स्पष्ट रूप में जाहिर होगा। हिसाब किताब स्पष्ट रूप में सामने में जाहिर होगा, उसके ऊपर अब माफी करना हो तो परमात्मा की कृपा, प्राण्यह जी की कृपा है। लेकिन परमात्मा के सामने में ये कोई भी कर्म का लेखा जोखा हिसाब किताब छुपता नहीं। इसीलिए यहां कहा ना, तब आगो आई सबों की करनी जिन जैसी करी आप अपनी, जिस जिसने जैसा जैसा कर्म किया है सबका कर्म का लेखा जोखा सामने में दिखाई देगा। कहा ना किरंतन वाणी में, धनी न जाए किनको धोत्यो, धनी यानी कि परमात्मा किसी के ठगने से ठगे नहीं जाएंगे,
तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा के सामने में कुछ भी छुपता नहीं है, इसीलिए सबका कर्म का लेखा जोखा हिसाब सामने में प्रकट होगा। और प्राणनाथ जी के समय वालों के लिए तो प्रकट होने पर भी थोड़ा सा उसको जाहिर करके बता करके अपनी गलती का एहसास करा करके माफी कर दिया। लेकिन प्राणनाथ जी के समय के पीछे आने वालों के लिए, जैसे कि ऊपर चौपाई में ही कहा माफी का दरवाजा बंद होगा करके, उसी भाव को और खुलासा करते हुए चौपाई नंबर 101 में कहते हैं, तब कोई नाही किसी के संग दुख सुख लेवे अपने अंग। इस तरह से बताया। तब मतलब कब? प्राणनाथ जी के समय के पश्चात, माफी के दरवाजा बंद होने के बाद, रात्रि बीत करके ये उजाला भोर की लीला, तारतम के द्वारा जागरण की लीला तो चलती रहेगी, परंतु तब कोई नहीं किसी के संग, कोई किसी के संग में नहीं रहेंगे, कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है, न कोई किसी को माफी करने वाले होंगे, नहीं, तब कोई नहीं किसी के संग, किसी के संग में कोई नहीं रहेंगे। दुख सुख लेवे अपने अंग, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, स्वयं अपने अंग से ही लेना पड़ेगा, स्वयं को भोगना पड़ेगा, स्वयं को उठाना पड़ेगा। इसका अर्थ प्राणनाथ जी के समय के जो सुंदर साथ है, उन सब के लिए प्राणनाथ जी ने दुख हो सुख हो सब अपने शीर में लिया है। और पीछे आने वालों के लिए इस तरह से दुख सुख को सब अपने शीर में लेने वाले कोई नहीं रहेंगे। देखिए तो स्पष्ट रूप में प्राणनाथ जी ने वाणी में किस तरह से खुलासा किया। कोई किसी के साथ में नहीं रहेंगे, दुख सुख लेवे अपने अंग, अपने ही अंग से दुख सुख सबको लेना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अब आगे कहते हैं, करो ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सूर उदय भयो आप। अब प्राणनाथ जी की ये प्रतिज्ञा सूत्र ही है, तो कहा करो ब्रह्म सृष्टि को मिलाप। अब ये तारतम के प्रकाश को प्रकाशित करके मैं ब्रह्म सृष्टियों का मिलाप करता हूं, क्योंकि पहले कहा ना ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया सबको जागृत कराना है, तो उसमें पहले ब्रह्म सृष्टियों का मिलाप करना है, तो इसलिए कहा करो ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, ब्रह्म सृष्टियों का मिलाप कराता हूं, एकत्रित कराता हूं। अखंड सूर्य उदय भयो आप, अखंड सूर्य उदय हुआ है, तो अखंड सूर्य मतलब ये तारतम रूपी सूर्य, आप स्वयं परमात्मा के द्वारा, श्रीराज्य के द्वारा ही ये अखंड सूर्य उदय हुआ, मतलब तारतम लेकर के कौन पधारे, स्वयं अक्षरातीत धाम देनी। तो ये तारतम के प्रकाश को यहां अखंड सूर्य शब्द प्रयोग किया, ये सबसे ऊपर का कलश सार है, इसलिए कहा कलश के रूप में अथवा सूर्य के रूप में ये तारतम को समझाते हुए, सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर, महमत मोह अहम उड़ियो उग्यो अखंड वतनी सूर। ये तारतम ब्रह्मांड के सबसे ऊपर का सार कलश है, जैसे मंगलाचरण का चौपाई में ही कहा,
शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखंड को तापर ध्वजा धरो तिन थे रहित। शास्त्रों के शब्दों में कलश के रूप में शब्दातीत यानी कि अखंड ब्रजराश। और प्रण्य जी कहते हैं उसके भी ऊपर का कलश अक्षर रूपी कलश को मैं प्रकाशित करता हूं, और उस कलश से भी ऊपर तापर ध्वजा धरो तिन थे रहित, उस कलश से भी रहित, उससे भी अलग, उससे भी ऊपर ध्वजा धराता हूं। वो क्या है? परमधाम का प्रेम जो खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार जैसे ग्रंथों के माध्यम से वो परमधाम की प्रेम रूपी ध्वजा को फहरा दिया। तो तारतम्य जो ज्ञान है, ज्ञान एक सार तत्व, ये कलश है, उससे भी ऊपर का जो ध्वजा प्रेम है, इसलिए तारतम के प्रकाश को एक तरफ सार कलश के रूप में भी परिचय दिया है, और इसको अखंड सूर्य के नाम से भी परिचय दिया, और जो चौपाई में यहां जोड़ रहा था, उच्चारण कर रहा था, इसमें कलश शब्द से भी बताया है और अखंड सूर्य शब्द से भी बताया है। तो क्या कहा? सब पर हुआ कलश, सबसे ऊपर का सार कलश है ये तारतम, प्रेमानंद भरपूर। ये तारतम के कलश, ये प्रकाश में प्रेम आनंद का भरपूर है, और ऐसे कलश, ऐसे तारतम का प्रकाश जब प्रकाशित हुआ, कलश स्थापित हुआ, कहा महमत मोह अहम उड़ियो। जिसके हृदय में ये तारतम का कलश स्थापित हुआ ना, उसके हृदय के लिए तो महामति कहते हैं मोह अहम उड़ियो, मोह अहंकार सब उड़ गया। और आगे विशेष बात बताते हैं, उग्यो अखंड वतनी शूर, उग्यो मतलब उदय हुआ, अखंड वतनी शूर, अखंड वतनी यानी कि अखंड परमधाम का तारतम रूपी सूर्य उदय हुआ, जिसके द्वारा सारे ब्रह्मांड को ही प्रकाशित किया है, जन जन के हृदय को प्रकाशित किया है। इसलिए यहां कहा अखंड सूर्य उदय भयो आप, स्वयं परमात्मा के द्वारा ही ये अखंड सूर्य तारतम रूपी सूर्य उदय हुआ है। अब इसके द्वारा ब्रह्म सृष्टियों का मिलाप कराना है, और साथ में सारे दुनिया वाले भी इसी के माध्यम से एकत्रित होंगे। अब 102 नंबर चौपाई में कहते हैं विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई ना रहे मिने संसार, ब्रह्म सृष्टि को पिया संग सुख, सो कहो न जाए या मुख। देखिए कितनी सार बातें बता रहे हैं। विश्व मिली करने दीदार, ये तारतम का प्रकाश प्रकाशित होते होते अब समय ऐसा आ रहा है, और हकीकत में ये सब कुछ होने वाला है कि विश्व मिली करने दीदार, सारा विश्व ही, विश्व कहने से सारा दुनिया, सारा विश्व, सभी चेतना इसी के अंदर आया, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे ईश्वरी सृष्टि हो, चाहे जीव सृष्टि हो, विश्व मिली मिल करके करने दीदार, दीदार करने के लिए आएंगे, आ रहे हैं, और बाकी जो अभी नहीं आ पहुंचे हैं वो भी पहुंचेंगे, निश्चय है। पशरषि चौदे भवन करके पहले ही कहा ना, तो इसलिए विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई ना रहे मिने संसार, पीछे अंत में बाद में कोई भी ये संसार में नहीं रहेंगे, सब कोई ये अक्षरातीत परमधाम का लक्ष्य, परदर्शदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, तारतम के मार्ग में एकत्रित होकर के यहीं से ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का पहचान करके उनका दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे, और ये सब एक जुत्थ में, एक झुंड में बंद करके ये सब अखंड
मोक्ष का स्थान में पहुंचेंगे, कोई भी ये संसार के अंदर नहीं रहेंगे। कितने दृढ़ता के साथ में, कितने बेसकी के साथ में प्राणनाथ जी ये भाव को जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई ना रहे मिने संसार, संसार में कोई भी नहीं रहेंगे। ब्रह्म सृष्टि को पिया संग सुख, अब संसार में कोई नहीं रहेंगे तो कौन कौन कहां कहां पहुंचेंगे, किस तरह से सुख लेंगे, इसका भी स्पष्ट रूप में खुलासा करके बताया। तो ब्रह्म सृष्टि को पिया संग सुख, ब्रह्म सृष्टियों का जो सुख है पिया के साथ में, अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी के साथ में होगी। क्यों? ये ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आए हैं और यहां पर खेल देख करके तारतम के माध्यम से जागृत होकर के अंततगत्वा परम धाम मूल मिलावा में अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी प्राण पिया के साथ में ही मिलेंगे और वहीं के सुख आनंद में मगन होंगे। इसीलिए कहा ब्रह्म सृष्टियों का पिया संग सुख, और वो सुख वो आनंद किस शब्द में किस जुआन से कैसे बताएं? सो कहो न जाए या मुख, वो ब्रह्म सृष्टियों के जो सुख है पिया के साथ में, वो सुख को सो मतलब वह कहो न जाए या मुख, इस मुख से कहा नहीं जा सकता है, अखंड अलेख है वो। अब ये ब्रह्म सृष्टि तो तारतम के द्वारा जागृत होकर के पिया के साथ में पहुंचेंगे, यानी कि अक्षरातीत धाम धनी के साथ में पहुंचेंगे और वहां जो सुख आनंद अनुभव करेंगे उसको शब्द में जाहिर करके बता ही नहीं सकते। बाकी दुनिया वाले, बाकी जीव सृष्टि, उनकी क्या होगी? तो उसके लिए कहा ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए नहे चल देख नजर, 103 नंबर चौपाई। और ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। वैसे ये प्रसंग हमने विराट प्रसंग में अष्टभिस्त का विषय प्रसंग चर्चा करके समझ करके आए हैं और वो अष्टभिस्त के प्रसंग में ये चौपाई को जोड़ दिया था, तो खुलासा वहां हो चुका है। फिर भी अब यहां चौपाई के हिसाब से हम चिंतन करते जा रहे हैं तो मैं सार रूप में यहां पर भी उस भाव को जोड़ दूं। तो ये सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हुकुम के द्वारा ही उत्पत्ति किया है। और जैसे कि कहा नारायण ने एक ओम बहुश्याम कहने से ये संपूर्ण जीव की उत्पत्ति हुई, और ये खेल देखने के लिए परम धाम से ब्रह्म सृष्टि यानी कि ब्रह्मात्माओं की सुरता खेल में आए और ब्रह्म सृष्टियों के सेविका के रूप में अथवा हजूरी के रूप में अक्षरधाम से आए हुए सुरता जिसे ईश्वर सृष्टि कहते हैं। तो यहां ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि तीन सृष्टि ही है यहां, मतलब खेल के बीच में। अब ये तारतम का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है और कहा अंतिम में कोई भी संसार में नहीं रहेंगे तो अखंड सुख को प्राप्त करेंगे। तो अखंड सुख के संदर्भ में कहा ब्रह्म सृष्टियों का मिलाप किसके साथ होगी? प्रियतम परमात्मा स्वरूप के साथ। ब्रह्म सृष्टियों का सुख के लिए कहा ब्रह्म सृष्टियों को पिया संग सुख, और उसके लिए तो कहा कि वो मुख से कहा नहीं जा सकता है। तो जब अंतिम में ब्रह्म सृष्टि पिया के साथ में यानी कि परमात्मा के साथ में जाकर के सुख लेंगे, इसका मतलब खेल खत्म होने का समय आएगा, उस समय में जीव सृष्टि की क्या होगी?
क्योंकि प्राणनाथ जी ने पहले ही कहा है ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव जगाए करके। चलो ब्रह्म सृष्टि को तो परमधाम मूल मिलाव में जगा दिया और साथ में ईश्वरीय सृष्टियों को भी अक्षरधाम में जगा दिया, लेकिन प्राणनाथ जी की प्रतिज्ञा तो दुनिया देव जगाए, दुनिया वालों को भी जगा देता हूं, ये कहा है। तो दुनिया को कैसे जगाए, दुनिया को कैसे अखंड सुख प्रदान किया, तो जो विराट के प्रसंग में अष्टभिष्ट का प्रसंग है, नाश्वान्त अंकुर वाले जीव को भी अंतिम समय में बेहद भूमि में 8 प्रकार का अलग अलग मुक्ति के स्थान में जीव को अखंड सुख प्रदान किया है। अब ये नाश्वान्त अंकुर वाले जीव को भी विष्णु में अखंड सुख प्राप्त हुआ, कैसे, ब्रह्म सृष्टियों के बरकत से, ब्रह्म सृष्टियों की ताकत से, वो बात इस चौपाई के द्वारा खुलासा किया है। तो देखिए फिर से चौपाई को, ब्रह्म सृष्टि को ऐशो नूर, ब्रह्म सृष्टि के अंदर ऐसा नूर है, नूर मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब वो बल, वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो क्षमता है, कैसा, जो दुनिया थी बिना अंकुर, जो दुनिया जीव सृष्टि थी मतलब थे बिना अंकुर, अंकुर के बिना ही थे, तो अंकुर के बिना मतलब ये संसार के जो जीव सृष्टि है इनके अंदर अखंड सुख प्राप्त करने का कोई भी अंकुर ही नहीं था, नींद के अंदर, जुलमत के अंदर उत्पत्ति हुए, अंतिम में जाकर के ये नींद में ही लय होने वाला था। परंतु ऐसे नाश्वान्त अंकुर वाले जीव को भी ब्रह्म सृष्टि ने नया अंकुर भर दिया, कैसा नया अंकुर, अखंड होने का नया अंकुर, जिस अंकुर के द्वारा जीव सृष्टि भी अब अखंड मुक्ति के स्थान यानी कि भिस्ता में अखंड हो सकेंगे। तो कहा ताए नए अंकुर जो कर, ताए मतलब वो अंकुर बिना के, यानी कि नाश्वान्त जीव को नए अंकुर कर, नया अंकुर भर करके किए नहेचल, नहेचल शब्द का अर्थ अखंड, किए किया, और अखंड तो किया साथ में देख नजर, इन सारे जीवों के अपने नजर से ही दिखाया अखंड सुख को, यानी कि अनुभव कराया, सुख को प्रदान करना ही बड़ी बात नहीं है ना, सुख को प्रदान करके उस सुख को पूरी तरह से अनुभव कराना ये मुख्य बात है। तो इसलिए यहां कहा देख नजर, अपनी नजर से ही दिखाया, उसका अनुभव कराया, तो ये कितनी बड़ी बात है। देखिए तो ये ब्रह्म सृष्टि की बरकत, धनी ने पहले ही कहा था, दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया चौदे तब, किसको कहा ये, ब्रह्म सृष्टियों को, मतलब ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से, ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा प्रदान करने से ही चौदलोक ब्रह्मांड के सभी जीव को ये अखंड सुख, तारतम का सुख पाव ही प्राप्त होने वाला है। तो अखंड सुख को प्रदान करने वाले ऐसे महान सामर्थ्यवान, ऐसे महान ताकतदार ब्रह्म सृष्टि, जिनके लिए पहले कहा ना, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आई ब्रह्मात्म सत्त, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा को किस तरह से गाया है,
मुक्त देशी ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को ही मुक्ति देंगे, ऐसे ब्रह्म सृष्टि खेल के बीच में आए हैं, पधारे हैं, इस तरह से इनकी महिमा गाया गया। और यहां कहा जो जीव सृष्टि जिसके अंदर अखंड होने का कोई अंकुर ही नहीं था, कोई बल ही नहीं था, ऐसे अंकुर बिना के जीव को भी ब्रह्म सृष्टि ने नया अंकुर भर करके अखंड सुख को प्रदान करके प्रत्यक्ष रूप में अपने अंतरात्मा के नजर के द्वारा दर्शन कराया अथवा अनुभव कराया। तो कहा ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, ब्रह्म सृष्टि के अंदर ऐसा नूर है, ऐसा ताकत है, ऐसा बल है जो दुनिया थी बिना अंकुर, दुनिया वाले अंकुर बिना के थे, ताए नए अंकुर कर, उसके अंदर नया अंकुर भर करके प्रदान करके कि ये नहे चल देख नजर अखंड किया और उनके प्रत्यक्ष नजर से दर्शन कराया, अनुभव कराया। प्रण्य जी ने कहा मोहे दिल में ऐसा आईया, ए जो खेल देखा ब्रह्मांड, हम क्या देखी रे दुनिया, जो इनको ना करो अखंड। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप स्वयं महामति प्राण जी स्वरूप में पधारे और प्राण जी ने इस सृष्टि को देखा। वैसे सृष्टि तो नाश्वान्त अंकुर वाले ही है, अखंड होने का अंकुर ही नहीं है, लेकिन कहा मोहे दिल में ऐसा आईया, ए जो खेल देखा ब्रह्मांड, मुझे दिल में ऐसा भाव प्रकट हो रहा है, ऐसा विचार आ रहा है कि ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, ब्रह्म सृष्टियों ने ये जो खेल देखा, हम क्या देखी रे दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड। अगर ये दुनिया को, ये सृष्टि को, यहां की चाहे जीव हो चाहे पांच तत्व ही हो, इसको अखंड ना करूं तो फिर हम क्या देखी रे दुनिया। हमने दुनिया देखा, खेल देखा करके कैसे साबित होगा, क्या प्रमाण होगा। इसीलिए खेल पूरी होते समय परमधाम की ब्रह्मात्माएं तो परमधाम में अपने प्रियतम धाम धनी के साथ में मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन परमधाम में जाने के पश्चात परमधाम के अखंड सुख को अनुभव करते हुए भी साथ में हमने ये खेल देखा था, इस बात को एक स्मरण करने के लिए, उसके एक नमूना मॉडल रूप सृष्टि को बेहद मंडल में अष्टभिस्त के रूप में अखंड करके रखा। तो यह ब्रह्म सृष्टि की ताकत से है। इसका अर्थ यह तारतम के प्रकाश के द्वारा अंतिम में ब्रह्म सृष्टियों के ताकत के द्वारा जीव सृष्टि को भी अखंड मोक्ष प्रदान करने का सिद्धांत इस तरह से जाहिर किया और ये सिद्धांत ही अब आगे क्यामत के दिन तक में प्रत्यक्ष होने वाला है। फिर आगे कहते हैं श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, हो गई दुनिया सब एक, किनहू कछुए ना कहो, क्रोध ब्रोध काहों को ना रहो। तारतम के प्रकाश ने क्या किया, श्री धनी जी को दीदार सब कोई देखे, धाम धनी का दीदार यानी कि दर्शन, सब कोई देखे मतलब सब कोई देखेंगे यानी कि प्रत्यक्ष रूप में सब कोई धाम धनी स्वरूप का दर्शन करेंगे। प्राण्य जी के समय में देखिए ब्रह्म सृष्टि भी थे, ईश्वरी सृष्टि भी थे, जीव सृष्टि भी थे, सब किसी ने प्राण्य जी को अपने अपने अंकुर माफक धाम धनी के स्वरूप में ही पहचान किया। और ये जागने की लीला में वही धामधनी स्वरूप अक्षरातीत प्रण्य जी दिल मोमिन के आय के अर्श कर बैठे खसम। मोमिन यानी कि ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात के हृदय को ही अरस यानी कि परम धाम बना करके विराजमान है। और जब तारतम के प्रकाश के द्वारा सभी आत्मा अपने हृदय को प्रकाशित करके आएंगे तो यही खेल के बीच में ही सबको
अक्षरातीत धनी का दीदार प्रत्यक्ष रूप में अंतरात्मा दृष्टि के द्वारा होगी। श्री धनी जी को दीदार सबको ही देखे, सबको ही धनी का दर्शन करेंगे, यहां खेल के बीच में भी महामती प्राण्यास जी स्वरूप में, और खेल उठने के बाद फिर मूल स्वरूप उनके दर्शन उस विषय में कहे। ब्रह्म सृष्टि तो प्रत्यक्ष रूप में ही धनी का दर्शन करेंगे, परंतु ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि के विषय में भी अगर देखें तो ईश्वरी सृष्टि का मूल अक्षरधाम है, अक्षरधाम में जाकर के अक्षर के अंदर ही वृत्ति रूप में मिलेंगे, और जीव सृष्टि नाश्वान्त अंकुर वाले को नया अंकुर भर करके अखंड किया तो कहां, बेहद मंडल में आठ विस्त है ना, अव्याकृत में तीन विस्त, सबलिंग में तीन विस्त, सत्स्वरूप में दो विस्त, आठ विस्त। तो ये सब स्थान अक्षर ब्रह्म के ही अंदर, उनके चार विभूति स्वरूप चार पाद के अंदर की बात है। अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का क्या है, अंतस्करण रूप मन बुद्धि चित्त अहम। तो जैसे मैं हूं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहम अपने अंदर ही है, तो मैं जहां जाता हूं मेरे अंदर के ये सारे वृत्ति सारे शक्ति वो साथ में चला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, खेल खत्म होने के बाद पुनः नित्य लीला परमधाम के अंदर की अष्ट प्रहर लीला अपने हिसाब से चलेगी, और अक्षर ब्रह्म की जो अपनी नित्य लीला में कुटस्तेव तद्धामने कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति परम प्रेम पुरित मानस, ये नित्य लीला है ना, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए नित्य प्रति जाते हैं। ये सृष्टि बनने से पहले की बात है, तो अब सृष्टि उठने के बाद भी ये लीला तो निरंतर चलती रहेगी, तो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परम धाम में जाकर के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप के दर्शन करेंगे, तो अक्षर के हृदय के अंदर जो अखंड हुए जो जीव सृष्टि है, और अक्षर के हृदय के अंदर ही वो वृत्ति रूप ईश्वरी सृष्टि है, ये साथ में अक्षरातीत धनी का दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो यहां खेल के बीच में भी परब्रह्म परमात्मा स्वरूप के दीदार यानी कि दर्शन सब किसी को हुआ, और खेल से उठने के बाद भी सभी को इस अर्थ में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप के दर्शन होंगे। इसलिए यहां देखिए फिर श्री धनी जी को दीदार सबको ही देख, सबको ही देखेंगे दर्शन करेंगे, हो गई दुनिया सब एक, सारे दुनिया ही एक हो गए ना, सब एक हो गए, मतलब एक लक्ष्य एक सिद्धांत एक ही परमात्मा के भजन एक ही परमात्मा के गुणानुवाद। जैसे देखिए ये हो गई दुनिया सब एक में, आज तारतम्य सिद्धांत में जुड़े हुए आत्मा समूह सुंदर सात समूह जितने भी संख्या में, जैसे बड़े बड़े मेला उत्सव पर्व होता है तो उस समय में अलग अलग स्थान से बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं ना, जब प्रातःकालीन समय मंगल आरती का समय होता है उस समय में सब किसी के मुख से सब किसी के जुआन से एक ही शब्द उच्चारण होता है, सुख को निदान जय जय सुख को निदान मंगल आरती सुख को निदान। अब यहां जाति के हिसाब से देखते समय तो अलग अलग जाति के हैं, जाति मतलब लौकिक दृष्टि के जाति के हिसाब से, अब महामती प्राण्यास जी के तारतम्य सिद्धांत के आधार पर ये सिद्धांत में जुड़ने वालों को आत्मिक दृष्टि से न कोई जाति न कोई वर्ण कुछ नहीं है, फिर भी लोक दृष्टि में जो अलग अलग जाति एक इस दृष्टि से मानते हैं ना, उस दृष्टि से देखें तो
वहां जाति अलग अलग हो सकते हैं, वर्ण अलग अलग है, लिंग अलग अलग है, और कोई कहां से कोई कहां से, देश विदेश से। परंतु जब सिद्धांत के विषय की बात आती है, जब एक लक्ष्य के विषय की बात आती है, सेवा पूजा प्रार्थना की जब बात आती है, सबके मुख से एक साथ में एक ही शब्द उच्चारण किया जाता है। आज के तिथि तक जहां तक ये तारतम्य का प्रकाश पहुंचा है, जिस हृदय तक, वो हृदय वाले समूह, सुंदर सात समूह एकत्रित होते समय हर किसी के मुख से एक ही प्रार्थना, एक ही शब्द उच्चारण होना। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा, आरती के समय में सबके मुखारविंद से सुख को निदान, जय जय सुख को निदान ही उच्चारण होता है। संध्याकालीन आरती में खड़े होंगे तो कंचन थाल चौमुख दीवल दीपक ज्योति प्रकाशी, सबके मुख से यही शब्द उच्चारण होता है। तो आज के समय तक जितने समूह, जितने आत्मा जुड़ गए हैं, इन सब का एक ही भजन, एक ही लक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ? तो उस दृष्टि से देखे तो भी हो गई दुनिया सब एक, इसका एक प्रत्यक्ष नमूना हुआ कि नहीं हुआ? और यही लीला बढ़ते बढ़ते क्यामत के दिन तक में सृष्टि के अंदर जितने भी चेतना है, ब्रह्म सृष्टि तो एक होंगे ही तारतम के सिद्धांत में, ईश्वरीय सृष्टि भी होंगे, और यहां बात हो रही है दुनिया, सारी दुनिया भी एक होंगे। मैंने पहले भी एक चौपाई को जोड़ दिया था, सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक, अब तक मतलब महामति प्राणनाथ जी के जाहिर होने तक, तारतम जाहिर होने तक, अलग अलग रूप में खेल खिलाया, ये भी परमात्मा के हुकुम के द्वारा ही है। अब समय आने पर परमात्मा के हुकुम के द्वारा ही सबको एक सिद्धांत में जोड़ रहे हैं। एते दिन इन हुकुमे जुदे जुदे खिलाए, सोई हुकुम इमाम का अब लेत सबो मिलाए, सबो मिलाए, सबको मिला रहे हैं। इसीलिए ये तारतम्य सिद्धांत में जो जुड़ते हैं, इन सभी आत्माओं के एकमात्र परिचय है सुंदर सार, ब्रह्म सृष्टि समूह। तो यही है दुनिया सब एक होना, और ये लीला बढ़ती जाएगी। सद्गुरु महाराज के समय में 313 आत्माओं की जागनी हुई, प्राणनाथ जी के समय में भिन्न भिन्न स्थानों में बहुत सारे आत्माओं की जागनी हुई, प्राणनाथ जी के साथ में चलने वाले पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचते समय 5,000 संख्या में थे, और वर्तमान समय तक देखें तो देश विदेश में यत्र तत्र सर्वत्र ये तारतम का प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं। और इसी क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते क्यामत के दिन तक, सृष्टि के अंतिम समय तक में हो गई दुनिया सब एक, सारी दुनिया एक होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अक्षरातीत की वाणी है। किनहु कछु ये ना कहो, अब एक अक्षरातीत के बिना बाकी कोई किसी को कुछ कहने वाले नहीं है। अब यहां कोई किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। किनहु कछु ये ना कहो, क्रोध ब्रोध काहू को ना रहो, न तो किसी के अंदर कोई क्रोध है, न तो किसी के अंदर कोई ब्रोध है। जब अलग अलग होता है ना, तब वहां पर क्रोध और ब्रोध होता है। जब सब एक हो गया तो उसमें क्या क्रोध क्या ब्रोध, सब आत्मामय भाव में प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद में रमन करते रहेंगे। अब 105 नंबर चौपाय में कहते हैं, श्री धनी जी को ऐसो जस, दुनिया आपे भई एक रस, तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, काहू शमसे ना रहो कैसो। ये जो कुछ भी हुआ ये सब श्री धनी जी का ही जस है। श्री धनी जी को ऐसो जस, जस मतलब यश, उनकी महिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी शोभा, क्योंकि स्वयं धाम धनी
तारतम लेकर के खेल में पधारे और तारतम के प्रकाश के द्वारा ही सब आत्माओं को इस तरह से एक कर रहे हैं। इसलिए ये सब श्री धनी जी के ही जस है, यानी कि यश है। दुनिया आपे भई एक रस, दुनिया स्वयं एक रस हो रहे हैं, आपे स्वयं एक रस में, एक सिद्धांत में, तारतम के प्रेम में एकत्रित हो रहे हैं, डूब रहे हैं। तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, देखिए तो प्रकटवाणी के शुरुआती प्रसंग में ही तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अंधेरी सब को नाश करके कहा था। तो वही तेज ज्योत और प्रकाश शब्द यहां आया। तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, तेज तारतम का तेज, ज्योत तारतम का ज्योत, प्रकाश तारतम के प्रकाश जो ऐसो ऐसा है। अथवा ये तेज ज्योत प्रकाश तारतम के इन प्रकाश ने ऐसा किया, क्या किया, कहो समसे ना रहो कैसो, कहीं भी शंका नहीं रहा किसी भी प्रकार के। शुरुआत में कहा था करू अंधेरी सबको नाश, करू शब्द आया था वहां, तेज तारतम ज्योत प्रकाश करके ये तारतम के तीन दर्जा के प्रकाश के विषय में ही कह करके करू अंधेरी सबको नाश, करू शब्द उच्चारण किया। और यहां आकर के यही तेज ज्योत प्रकाश शब्द को उच्चारण करके जो ऐसो, जिसने ऐसा किया था ऐसा है करके, काहो समसे ना रहो कैसो, ना रहो नहीं रहा, मतलब सबके हृदय के अंदर की शंका को दूर कर दिया, ये स्पष्ट रूप में कहा। अब ये तारतम के प्रकाश ने सबके हृदय को प्रकाशित किया, तो जैसे यहां ऊपर से ही कहा कि हो गई दुनिया सब एक, सभी दुनिया एक हो गए, तो इसको और खुलासा करते हुए चौपाई नंबर 106 में कहा, सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और, पिया के बिरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। देखिए, सब जाते मिली एक ठौर, सभी जाति अभी तक भिन्न भिन्न जाति में बटे हुए थे ना, वो सब अब एक जाति में, एक जुत्थ में बढ़ गए, एक जगह में मिल गए, सब जाति मिली एक ठौर। अब जाति के विषय में कहें तो प्राणनाथ जी कहते हैं जात एक खसम के और न कोई जात, ये अब अनेक जात से एक खसम के जाति में आकर के मिल गए। सब जाति मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और, अब कोई भी एक अक्षरातीत धनी, एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अलावा किसी को भी अपना धनी नहीं मानेंगे, सबका धनी एक परब्रह्म परमात्मा, कोई ना कहे धनी मेरा और। पिया के बिरह सो निर्मल किए, अब सब कोई पिया के बिरह में ही अपने हृदय को निर्मल करेंगे, और करने वाले कर रहे हैं, जो आगे आने वाले हैं वे लोग भी पिया के विरह में ही निर्मल करेंगे। क्यों, तारतम के प्रकाश के द्वारा अक्षरातीत स्वरूप का पहचान हुआ, और अक्षरातीत की पहचान होने के बाद जैसे खिलवत वाणी में क्या कहा प्राणनाथ जी ने, ज्ञान के द्वारा, इलम के द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की पहचान हुई, और यह भी शुद्धि हुआ, धनी मैं तो श्रुति नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत, ये भी इलम ने समझ दिया, सनमंजा का पहचान हुआ, परंतु हम आत्मा अभी खेल में है, प्रियतम धनी जागृत परम धाम में विराजे हैं। ये शुद्धि जब होगी ना, तो अपने आप हृदय के अंदर एक विरह प्रकट होगी, और वही विरह के द्वारा ही हृदय को निर्मल किया जाएगा। इसीलिए पिया के विरह सो निर्मल किए, पिया के विरह के द्वारा हृदय को निर्मल कराया अथवा निर्मल होगा, पीछे अखंड सुख सबों को दिए, और बाद में अखंड सुख सबों को, मतलब सारे सृष्टि को, सभी जीव को प्रदान किया। तो इस तरह से तारतम के प्रकाश ने सबके हृदय को प्रकाशित करके एक अक्षरातीत की भक्ति साधना में एकत्रित किया है, ऐसी भाव को
यहां महामति प्राणनाथ जी व्यक्त कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से 106 नंबर चौपाई तक हमने चर्चा किया और यहां तक पंचस्वरूप महामति सूत्र की बात है। ये जो कुछ भी किया महामति प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा, उनके अंतर हृदय में स्वयं अक्षरातीत धनी विराजमान होकर के। अब अंतिम सूत्र जो 14वीं सूत्र है, ब्रह्म लीला सूत्र, जो 107 नंबर चौपाई से शुरू हो रहा है, जो प्रसंग हम कल चर्चा करेंगे। तो आज का समय पूरा हुआ, इसीलिए 106 नंबर चौपाई को दोहरा करके आज हम यहीं विश्राम करेंगे। सब जाते मिले एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और, पिया के बिरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के प्रणाम।